शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मोबाइल की दुकानों को खुले जाने की अनुमति के बाद महानगर में बुधवार को 11 बजे से बलदेव प्लाजा में मोबाइल की दुकानें खुली। इस दौरान देखा गया कि किसी भी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और ना ही किसी दुकान के आगे एक एक मीटर की दूरी का घेरा बनाया गया है और ना ही सैनिटाइजर की ही व्यवस्था थी। किसी भी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोबाइल विक्रेता उमेश अनुराग त्रिपाठी, मोबाइल रिपेयर इमरान खान ने कहा, आप यहाँ पे रोड से गाड़ी बंद कर देते, पार्किंग में खड़ा करते हैं। जाइए जाइए, रुक जाइए, मत जाइए। उमेश, अपने ग्राहकों के लिए हमने अपने अपने काम के लिए पहले से हम लोग का रुका पड़ा था, वो करके हिसाब का करके मार्च की पूजी थी तो सब कुछ छूट गया था हम लोगों का। अब आके हम लोग रखता था सोशल डिस्टेंस के लिए क्या क्या व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, बाकी अपने हिसाब से करें। दुकान के अंदर कोई नहीं आ रहा, बाहर से अगर किसी की जरूरत है तो पूछ ले रहा है। अगर कोई दुकान पर सामान लेने आता है तो उसको कैसे दिया जाए? अभी हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी जब दुकान खुलेगी तो उसकी तैयारी कर रही है। मेरा इमरान नाम, थोड़ी बहुत चहल पहल है तो अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत रोजगार इंसान को मिलेगा। ग्राहकों की क्या स्थिति है? ग्राहकों की ठीक है, अभी इतने नहीं है लेकिन हैं, एक दो कस्टमर तो आ ही रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के लिए क्या क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? अब व्यवस्था है, सैनिटाइजर यूज करा रहे हैं और कल से थोड़ा सा और सिस्टम भी चेंज करेंगे। अगर मास्क पहन के नहीं आएगा कस्टमर तो उनको कस्टमर को एंट्री नहीं देंगे, बिना मास्क के कस्टमर को एंट्री अलाउ नहीं। अनुराग त्रिपाठी, ठीक है, स्थिति भीड़ भाड़ है थोड़ी बहुत, ग्राहक ठीक है, सैनिटाइजर रखे हैं, सब लोग मास्क सबको लगवा रहे हैं, दूरी बनवा रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे लोग, बार बार फिर वही क्या करें, मोबाइल लेने आता है तो आपको कैसे दूर मेंटेन करना है? उनको बोलते हैं दूध एक आदमी अंदर आइए, बाकी लोग दूर रहिए, फिर अब घेरा बनाएंगे, कल सुबह से घेरा बनाएंगे।